नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यमकरीज पर। हाजिर हैं आपके सामने एक बार और एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर। इसका नाम है वेज कोल्हापुरी। आज जो वेज कोल्हापुरी की रेसिपी आपको दिखाने जा रहे हैं, कोल्हापुर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका नाम वेज कोल्हापुरी है। रेस्टोरेंट्स में आपको वेज कोल्हापुरी सर्व किया जाता है। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेस्टोरेंट्स। सो आइए शुरू करते हैं जायके का सफर यमकरीज पर। तो वेज कोल्हापुरी में भी इनको बहुत सारी सब्जियां चाहिए होती हैं। तो ये मैंने जो आपके सामने दुकान लगाई है, इसमें सारी सब्जियां अवेलेबल हैं जो जो मेरे पास थी। कैप्सिकम, बीन्स, कैरेट, गोभी, प्याज, टमाटर, ये सब मैंने ले लिए। ये चॉइस आपकी अपनी है। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं और जो आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें थोड़े से मटर और पनीर भी डालेंगे। तो इसके तीन पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में हम एक कोल्हापुरी बेस ग्रेवी तैयार करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम इसके लिए एक बेसिक टोमेटो ग्रेवी तैयार करेंगे और थर्ड में इसको तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं कोल्हापुरी बेस ग्रेवी, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने। इसमें हमने ले लिया है दालचीनी 1 इंच, 5 लौंग, पेपरकॉर्न्स ले लिए हैं 5, और ले लिया है हमने ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची, हरी इलायची, ब्लैक कार्डमम मोटी इलायची, काली इलायची 1, क्यूमिन सीड्स लिए हैं जीरा 1 टीस्पून, कोरिएंडर सीड्स 1 टीस्पून, और ये हमने लिए हैं रेड चिली, सूखी लाल मिर्च 3 ये ले ली हैं, पॉपी सीड्स भी लिए हैं हमने, ये भी 1 टीस्पून है, और लिया है फ्रेश कोकोनट, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून। तो आइए सबसे पहले कोल्हापुरी बेस ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया जी एक पैन। इसको करेंगे थोड़ा सा गरम। ये हम इसमें ऑयल डाल देंगे लगभग 2 टीस्पून, और इसमें धीरे धीरे डाल देंगे अपनी स्पाइसेस। सबसे पहले डाल देंगे दालचीनी 1 इंच, एक मोटी इलायची, ये हमने यहाँ पे 5 लौंग लिए हैं, और डाल देंगे जी काली मिर्च के दाने, 2 छोटी इलायची, और ये बाकी के स्पाइसेस धनिया, जीरा और पॉपी सीड्स, खसखस, ये सब इकट्ठा ही डाल देते हैं, और डाल देंगे जी रेड चिली। ये हमने यहाँ पे बेड़गी का इस्तेमाल किया है। फ्लेम रखेंगे बिल्कुल मीडियम लो, और इनको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही आपको स्पाइसेस की खुशबू आने लग जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे नारियल, और अच्छे से चला लेंगे। तो हल्का सा भून लेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो, नहीं तो हमारा नारियल जल जाएगा। बस ये हमारा नारियल जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गया। आप इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल ऐसा भून गया है ये। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए जी, हमने अपने वेज कोल्हापुरी की बेस ग्रेवी बिल्कुल तैयार कर ली है। इसी तरह से हम एक टोमेटो प्यूरे भी बना लेते हैं। अपने टोमेटो प्यूरे के लिए हमने लिए हैं जी 2 मीडियम साइज टमाटर, 2 हरी मिर्च, और लिए हैं थोड़े से काजू। तो आइए जी इसकी प्यूरे बना लेते हैं। ये देखिए जी, हमारा टोमेटो प्यूरे भी बिल्कुल तैयार है। तो आइए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। आइए जी अब एक और ज़रूरी काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पैन लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और इससे पहले हम अपने तड़के की तैयारी करें, हम अपनी सब्जियों को स्टर फ्राई कर लेते हैं जी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। सबसे पहले डाल देंगे इसमें गोभी। अगर आप इन्हें स्टर फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इन्हें ब्लांच भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने से हमारी वेजिटेबल्स में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। इससे क्या होगा ना, किसी भी स्टेज पे हमको ये बिल्कुल भी कच्ची कच्ची नहीं लगेंगी। हल्का सा फ्राई कर लेना बढ़िया रहता है। अगर आप इन्हें ब्लांच करते हैं तो भी ये सेमी कुक हो जाती हैं। बस ये हो गया, अब इनको निकाल लेते हैं। टाइम फॉर सेकेंड राउंड। अब हम कर लेते हैं जी अपनी गाजर, बीन और मटर। लॉट ऑफ कलर्स इन दिस वेजिटेबल, वेरी टेस्टी, वेरी न्यूट्रिशियस। क्या बढ़िया लग रहे हैं देखिए। लेट देम स्टर फ्राई फॉर अ वाइल, जस्ट अबाउट 2 मिनट्स। ये देखिए जी, ये भी हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। और अब फाइनली कर लेते हैं अपने अनियंस और कैप्सिकम को, इनको भी 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेते हैं। लेट्स पोर सम ऑयल, जस्ट अबाउट 1/4 टीस्पून। ये लीजिए जी, हमारा कैप्सिकम और प्याज भी बिल्कुल तैयार है, इनको भी निकाल लेते हैं। अब जी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो आइए अब फटाफट से तड़के की तैयारी करते हैं। तो जी तड़के के लिए ले लिए हमने एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे जी ऑयल 2 टेबलस्पून, इसमें डाल देंगे जी शाही जीरा अबाउट 2 टीस्पून, एक तेज पत्ता, और डाल देंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा वेट करेंगे हमारा जीरा तड़क जाए। यहाँ हमने शाही जीरे का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास शाही जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमारा जीरा तड़केगा, हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चॉप्ड अनियन। जीरा हमारा हो गया है, आइए ऐड करते हैं अनियन। ये हमने 2 प्याज
मीडियम साइज के चॉप कर लिए। विल जस्ट कुक देम टिल दे आर गोल्डन ब्राउन। ओवर कुक नहीं करना है इनको। ये देखिए जी हमारे प्याज जो हैं ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून एंड सम ग्रीन चिलीज। ये मैंने 2 ग्रीन चिली चॉप कर लिए हैं। गिव इट अ स्टर अगेन। आप अगर गार्लिक नहीं खाते और अनियन नहीं खाते तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट विद द पेस्ट और प्यूरे। वाह जी वाह, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। थोड़ा सा और पकने देते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे अपनी स्पाइसेस। पहले डाल देंगे हल्दी 1/4 टीस्पून और डाल देंगे देगी मिर्च रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। गिव इट अ स्टर अगेन। इसमें जी बहुत सारे मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो अपना पेस्ट तैयार किया है और प्योरे तैयार की है उसका फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आएगा। लेट इट कुक फॉर अ मिनट। आइए जी अब ऐड कर देते हैं अपना कोल्हापुरी ग्रेवी बेस जो हमने बनाया था। बहुत ही बढ़िया से एक बार इसको मिक्स कर लीजिए। अब देखिए जी खुशबू का नज़ारा ही कुछ और है। फ्लेम मीडियम लो, लेट इट कुक फॉर अ वाइल। थोड़ा सा ऐड कर देंगे जी सॉल्ट एज पर टेस्ट स्वाद अनुसार और इसको तब तक कुक होने देंगे जब तक ये ग्रेवी हमारी ऑयल ना छोड़ दे। और जैसे ही आपको इसमें से खुशबू आने लगेगी आपको पता लग जाएगा दैट द ग्रेवी इज रेडी। बीच बीच में हिलाते रहेंगे। दिस इज गोइंग टू टेक अबाउट 4-5 मिनट्स। ये देखिए जी हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है उसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ऐड कर देंगे अपना फ्रेश टोमेटो प्यूरे। गिव इट अ स्टर। इसमें जी बस हमको मेन ग्रेवी को ही पकाना है। हमारी स्पाइसेस भी पक गई हैं। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी हमारी इन मेकिंग। इस स्टेज पे अगर आपको ये थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं चिली सॉस। नाउ वी हैव टू कुक इट फॉर अनदर 5-7 मिनट्स ऑन मीडियम लो फ्लेम। ये देखिए जी हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। इसने भी ऑयल छोड़ दिया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और ग्रेवी भी देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। आइए जी अब ऐड कर देते हैं अपनी वेजिटेबल्स। सबसे पहले डाल देंगे जी अपनी कॉलीफ्लावर, गोभी, मटर, बीन्स और गाजर और ऐड कर देंगे जी अपने कैप्सिकम और प्याज। मिक्स कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे ताकि सारी ग्रेवी जो है हमारी बढ़िया से हमारी वेजिटेबल्स पर कोट हो जाए। कैसी लग रही है? अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दिस रेसिपी इज टोटली डिराइव्ड बाय द रेस्टोरेंट। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम वाटर इन इट, 1/2 कप ऑफ वाटर। मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी क्या बढ़िया हमारी सब्जी एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। ये देखिए जी इतनी सुंदर लग रही है और खुशबू भी उतनी ही बढ़िया आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जी थोड़ा सा पनीर। ये हमने इसलिए उस वक्त ऐड नहीं किया क्योंकि जब हम सब्जियों को फोल्ड करते तो ये टूटने का खतरा रहता है। सो वी हैव टू ऐड इट एट द लास्ट। दिस इज ऑप्शनल जी, अगर आपको नहीं ऐड करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्का हल्का सा इसको चला देंगे एक बार। स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला अबाउट 1 टीस्पून और ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी अबाउट 1 टीस्पून। कसूरी मेथी से और गरम मसाले से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। देखिए जी हमने मसाले आपके सामने इसमें बहुत ज़्यादा डाले ही नहीं हैं, बिल्कुल बिना मसालों के ये सब्जी बनी है। बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी वेरी टेस्टी। आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। लेट इट कुक ऑन हाई फ्लेम फॉर अबाउट 2-3 मोर मिनट्स। आइए जी ये देखिए हमारी वेज कोल्हापुरी अब बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस अबाउट 2 टीस्पून और ऐड कर देंगे जी अपना प्रिय मित्र धनिया थोक के एकदम। आइए जी अपनी वेज कोल्हापुरी सर्व कर लेते हैं। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, लाजवाब। ये देखिए जी वाह जी वाह, एकदम बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट। आप भी ज़रूर बनाइए, बना के खाइए और ज़रूर बताइए कैसी लगी। उसको गार्निश कर देंगे धनिया से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।